सबसे बेस्ट पार्ट आयुष्मान खुराना का स्माइल, फीलिंग वेरी सैड फॉर हिम के मतलब वो इससे कुछ अच्छा डिजर्व करता है। या, इसके सामने मुझे प्रभास की मूवी राधे श्याम शोले लगती है। हेलो माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों आयुष्मान खुराना स्टारिंग अनेक रिलीज हो गई और हमारे साथ में आ गए हमारे मुंबई के टू इडियट्स। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप दोनों का बॉलीवुड प्रेमी जो तीसरा है। हम पहले ऑडियंस को बता दे, मराठी पिक्चर देखने गया, नाम है हंबीर राव। आप दोनों ने देखी है अनेक, डायरेक्टेड बाय अनुभव सिन्हा। शुरुआत करूंगा फर्स्ट इडियट गोलू से, कैसे ले गया? बिल्कुल घटिया, अरे बाप बिल्कुल घटिया। ऐसा लग रहा था 140 रुपए दे के मैं सो ही जाता था अंदर। मतलब एसी के मजे लेने के, एसी ले खाओ पियो बस यही रह गया था। देखो क्या है ना, मैं भी देखो मेरे को पसंद नहीं आई, इसका मतलब ऐसा नहीं कि लोगों को भी पसंद नहीं आएगी। अभी लोगों के अपने अपने ओपिनियन रहते हैं, पर एज अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। बस कितने घंटे की थी ड्यूरेशन? 2 hours 28 minutes। बस झेल लिया, टॉर्चर था। नींद आ रही है, देखो चेहरा अभी भी उतरा हुआ है। हम लोग ने इसके पहले धाकड़ देखी, ठीक ठाक थी। भूल भुलैया देखी, इंजॉय होके बाहर आए। हम लोग ने ऑनेस्ट रिव्यू दिया, आपने बहुत प्यार दिया उसको, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपने तभी हमारा चेहरा देखा था, हम बहुत खुश थे। इसके पहले भी कितने रिव्यू कर चुके, लेकिन इसके लिए क्या रिव्यू करें, पूरा स्पीचलेस इसके लिए, क्योंकि डिजास्टर होने वाली, मैं पहले ही बोल देता हूँ। हमारे फर्स्ट रीडर ऑफ मुंबई गोलू बहुत डिसअपॉइंटेड है, बहुत ज़्यादा एंग्री भी है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। नहीं एक मैंने सोने के लिए दिया। नहीं एक बात बोलता हूँ मैं, अभी गिन के ऑडियंस ना मे भी 30 से 40 थी, उसमें से आधे लोग इंटरवल के पहले ही निकल गए। फिर उसके बाद में बचे हुए हम थे और बहुत से लेडीज थी। लेडीज लोग तो भाई वो तो सो गए थे, कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक पी के जो था सो गए। बस हम 3-4 लोग जो थे जिनको रिव्यू करना है, जिनको देखना था कि भाई आयुष खुराना क्या करेगा भाई। हम लोग तो झेलने को ही बैठ गए यार। ने क्या किया फिर? नहीं किया, देखो एक बात, परफॉर्मेंस नहीं एक बात बोलना चाहूँगा, जो उनका कैरेक्टर था उन्होंने बहुत अच्छा बिल्डअप किया, बहुत अच्छा उन्होंने निभाया। पर क्या है ना, स्टोरी टेलिंग जो हुआ ना फर्स्ट हाफ, ऐसा लगा कि सेकंड हाफ में कुछ मजा आएगा, लेकिन वो भी टट्टी था पूरा। और रही बात ना एक्शन की, उसमें से ना सिर्फ मेरे को पूरे पिक्चर में सिर्फ 4 सीन अच्छे लगे। एक वो अंदर घुसते हुए, वो सब जो भी उन लोग मतलब कैसी थी खुराना की? नॉर्मल। बस 4 से 5 सीन कुछ रहेंगे जो बहुत अच्छे सिनेमेटोग्राफी में लिए, बस वही पसंद है। बाकी पिक्चर मैं तो स्टार ही देने का मन नहीं आज तो मेरा। आखिर में आऊंगा आपके पास सेकंड ईयर मुंबई विघ्नेश को पूछूंगा, कैसे लगी आपको अनेक? बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी इज जिन किसी को नींद ना आने की बीमारी है वो देखे, 20 मिनट में नींद आ जाएगी। हम थिएटर में देख रहे हैं, हार्डली 30 या 40 लोग आए थे, उसमें से आधे लोग सो गए, आधे लोग मर गए क्या वो भी पता नहीं। मेरे आगे जाने माने क्रिटिक बैठे थे, वो 40 मिनट में चले गए। बोलो कैसी मूवी बनाए यार, बहुत ही ज़्यादा स्लो है। मतलब कि कुछ वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड, बट आयुष्मान खुराना उनका लुक एकदम ज़बरदस्त है, लेकिन वो एकदम ठंडे पड़ गए, ढीले पड़ गए आयुष्मान, बहुत ही ठंडे पड़ गए। मेरे को ऐसा कौन सा भी ऐसा पार्ट एंगेजिंग लगा ही नहीं, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। देखो हमको भी बुरा लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स इतने करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, तो यार एटलीस्ट एक अच्छा कॉन्टेंट बनाओ ना यार। देखिए पब्लिक है यार, पब्लिक सब जानती है। उनको मतलब कि आज देखो ये अच्छी मूवी बन सकती थी। मैंने उरी देखी थी, वो मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से बनाई थी, विकी कौशल। सो मतलब कि ऐसे टाइप की मूवी बन सकती थी, लेकिन इन्होंने पूरा कंफ्यूजिंग कर दिया। हाँ बोलिए। एक्चुअली जो ये जो इसका स्टोरी था ना, जो भी कॉन्सेप्ट था बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो सकता था, बहुत अच्छे से शूट भी किया जा सकता था, और स्टोरी टेलिंग भी कर सकते थे किसी अच्छे जन की आवाज़ लेके। इतने हमारे इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े नाम हैं, बच्चन साहब है, अजय देवगन भी कभी कभी ट्राई कर लेते हैं, ऐसे बहुत से हैं जो स्टोरी टेल में जब भी करते तो पिक्चर हिट ऐसे ही हो जाती है। शरद केलकर इज देयर, अजय देवगन सर है, बच्चन साहब तो है लेजेंड। और रही बात ना आयुष्मान जी की, तो उन्होंने बिल्डअप अच्छा किया, कैरेक्टर में आए, उन्होंने अपना बेस्ट दिया। फीलिंग वेरी सैड फॉर हिम के मतलब वो इससे कुछ अच्छा डिजर्व करता है, हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स जाता है, हमेशा एक
ऐसा कंटेंट लेके आता है कि लोगों को एक इम्पैक्ट देता है कि हाँ ऐसे भी एक्टर्स होते हैं जो ऐसे कैरेक्टर निभाते और लोगों को एंटरटेन करते और उन्हें मेरे को मेरे हिसाब से ना मैंने देखा है आफ्टर इमरान हाशमी ही हैज अ मतलब काउंट ऑफ हेटर्स, मतलब इनके भी बहुत कम हेटर है इंडस्ट्री में. यस, इमरान हाशमी सर हैज अ जीरो हेटर्स, पर इनके भी बहुत कम हेटर है. मैंने आज तक इनकी कितनी पिक्चरें देखी और लोगों ने भी देखी, लेकिन कभी किससे डिसअपॉइंटमेंट का सवाल नहीं उठा. पर अब ये देखने के बाद ना भाई बहुत भाई दिल से बुरा लग रहा है भाई के लिए. सबसे बेस्ट पार्ट आयुष्मान खुराना का स्माइल. कोई भी लड़की को दीवाना कर सकती है उनका स्माइल. अभी खैर मूवी के डायरेक्टर अरे कहानी तो मतलब कि नॉर्थ इंडिया को उनके बारे में कुछ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया गया है, बट इन्होंने समझ में नहीं आया. एंड डायरेक्टर अनुभव सिन्हा, इनको इतना अनुभव है, इन्होंने रावण जैसी मूवी बनाई है. लास्ट अरे वो थप्पड़ तो थप्पड़ ही रह गया, वो तो डिजास्टर आर्टिकल 15 या एक बोलना हाँ, मैं जैसे अभी इन्होंने इतने बड़े बड़े ब्लॉकबस्टर्स दिए, इतने बड़े बड़े अच्छे फिक्शन पिक्चर्स भी दिए और बहुत अच्छा नाम है इनका. इनका अनुभव तो अनुभव से भी ज़्यादा है, उनके नाम से ज़्यादा है. लेकिन एक बात है ना, इस पिक्चर में क्या खटकता है मालूम है, आपने जो भी सीन्स लिए, आपने जो भी एक स्टोरी स्टार्ट किया एक यहाँ से, तो उसका एंड कहाँ हुआ वही नहीं मालूम पड़ा. मतलब क्या हुआ मतलब कुछ समझा ही नहीं, मतलब प्रॉपर ये क्यों हुआ और कैसे हुआ. फिर उसके बाद में दूसरी कहानी, दूसरा स्क्रीन प्ले आ जाता है कि यहाँ पे ये होने वाला है, यहाँ पे ये मूवमेंट होने वाला है, वहाँ पे वो होने वाला है. अरे मतलब चल क्या रहा है, आप बार बार स्क्रीन देना स्प्लिट कर रहे हो, ये दिखा रहे हो, फिर ये दिखा रहे हो, फिर तीसरा बीच में डाल रहे हो, फिर चौथा भी कुछ आ रहा है. स्क्रीन प्ले गड़बड़ हो गया. अरे इतना चाहते हो, यस दिस इज द क्वेश्चन मार्क, आप कहना क्या चाहते हो. फिर लास्ट में एक मूवमेंट इतना अच्छा आया कि बाद में लीड है एंड्रिया नाम है उनका. यस यस, उनका काम कैसा था? उनका बहुत अच्छा लगा, काम उनका बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने एकदम साइलेंट रोल प्ले किया, लेकिन जितना भी किया काम बहुत बेहतरीन लगा. काम अच्छा किया. यस यस. बाकी हमारे कुमुद मिश्रा है, मनोज पावा जी है, हाँ उनका काम ठीक ठाक ही था, बट थ्रू आउट द मूवी देखा जाए तो वेस्ट है. मैं कुछ चीज़ें बोलना भूल गया. इसके सामने मुझे प्रभास की मूवी राधे श्याम शोले लगती है. मतलब कि अभी मैं क्या ही बोलूँ मैं. हाँ आई होप सो कि आगे ऐसी मूवी ना बनाए, मतलब कि थोड़ा कंसेप्चुअल बनाए. एंड सबसे ये था कि मूवी ख़त्म ही नहीं हो रहा था, इसने बोल दिया कि और 10 मिनट बाकी है. मैंने बोल दिया भाई घर वालों को इन्फॉर्म कर दे अगर मुझे कुछ हो गया तो. ये बाहर निकल गया, अभी मैं क्या बोलूँ. हाँ यस यस. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, थिएटर ओनर से भी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर ये मूवी लगा रहे हो नीचे एम्बुलेंस भी रेडी रखो, ऑडियंस को कुछ हो गया तो. बस इतना ही. ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है हमारे मुंबई के टू इडियट्स. फिर भी जाते जाते आपको रेटिंग पूछूंगा मैं, आउट ऑफ 5 अनेक को कितने स्टार देंगे स्टारिंग आयुष्मान खुराना. स्टारिंग तो बहुत मुश्किल है भाई, मतलब कि क्या बोलो, अगर हम कम स्टार देंगे तो मूवी को डिप कर रहे हैं, अगर ज़्यादा स्टार दे रहे हैं तो हम मूवी को मतलब ऑडियंस को धोखा दे रहे हैं. तो मेरे ख्याल से मैं कुछ देना नहीं चाहूँगा, स्टार नहीं देना चाहेंगे इस बार के लिए. हाँ सेकेंड एडिट विघ्नेश आऊँगा फर्स्ट के पास में. गोलू कितने स्टार आउट ऑफ 5 आयुष्मान जी के लिए? आयुष्मान जी के लिए तो मेरा दिल दरिया, अभी तो डायलॉग नहीं बोल सकता, बहुत लोग को मालूम है. लेकिन क्या है ना भाई, आयुष्मान जी को 5 out of 5 पूरे स्टार आउट ऑफ 5 दिया हमारे मुंबई के फर्स्ट इडियट गोलू ने. बस पिक्चर के लिए 2 स्टार, अनुभव सिन्हा बस 2 स्टार, 2 स्टार दिए, इससे उम्मीद भी नहीं रखी. रिएक्शन फ्रॉम मुंबई के टू इडियट, उन्होंने देखी है अनेक, जिसको देखने के लिए अनेक लोग नहीं आए लेकिन हमारे दो इडियट पहुंच गए थे, उनको फिल्म कैसी लगी आपने देखा है रिव्यू, आप डिसाइड करिए फिल्म देखनी है या नहीं. एक और चीज मुझे बोलना था, लास्ट में जो रैप वाला सीन दिखाया ना, वो वाला बहुत बढ़िया दिखाया. रैप ही अच्छा है. बाकी कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे. थैंक यू सो मच फॉर योर ऑनेस्टी.